हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज अपनी सेकेंड वीडियो में आज हम आपको कुछ बेसिक जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं हमारे पेडागॉजी में या हमारे मनोविज्ञान में, उनके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। इन टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि जब तक आपके टर्म्स नहीं क्लियर होंगे तब तक आपको आगे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले एक शब्द हम लोगों ने पढ़ा है, क्या है? साक्षरता, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग लिटरेसी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षा, यानी एजुकेशन। देन अदर टर्म है आपका शिक्षण, टीचिंग। फिर आपका पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु, कहीं कहीं पर पाठ्यक्रम लिखा होता है और कहीं कहीं पर पाठ्य वस्तु लिखा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिलेबस कहते हैं। और अगला जो टर्म हमारा एक ब्रॉडर टर्म है, जिसको हम लोग पाठचर्या या क्यूरिकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं साक्षरता। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना है कि साक्षरता अभियान चलाया गया था, ठीक है ना? तो साक्षरता का संबंध केवल और केवल अक्षर ज्ञान से होता है, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको लिखना और पढ़ना आता है, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा दूसरा शब्द है शिक्षा, तो शिक्षा क्या है? एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। जैसा कि हम सब लोगों ने पढ़ा है कि शिक्षा क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन शिक्षा में होता क्या है कि शिक्षा के द्वारा हम किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। यानी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और हमारे विकास के जितने भी पक्ष होते हैं उन सभी पक्षों को हम शिक्षा के द्वारा विकसित करते हैं, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट करती है एजुकेशन हमारी। और जहाँ तक मनोविज्ञान में हम लोग क्या देखते हैं कि विकास के दृष्टिकोण से, यानी अगर हम डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हैं, तो विकास के दृष्टिकोण से विकास को 5 मुख्य पक्षों में विभाजित किया गया है। तो विकास का जो पहला पक्ष हमारा होता है वो है आपका शारीरिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है आपका मानसिक, बौद्धिक, या इसके कई सारे नाम हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है। ये सारे एक ही शब्द हैं जिसको हम इंग्लिश में मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा विकास का पक्ष है वो है आपका संवेगात्मक विकास, यानी इमोशनल डेवलपमेंट। चौथा है आपका सामाजिक विकास, यानी सोशल डेवलपमेंट। और पांचवा जो विकास का पक्ष है वो नैतिक व चारित्रिक विकास। यानी विकास के दृष्टिकोण से विकास को 5 पक्षों में विभाजित किया गया है। और शिक्षा केवल हमारा बौद्धिक विकास नहीं करती है, बल्कि हमारा सर्वांगीण विकास करती है। ठीक है, इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब अगर हम देखते हैं, तो विकास के 2 और छोटे पक्ष माने गए हैं, लेकिन इनकी संख्या गिनी नहीं जाती है, जिसमें आपका आता है भाषाई विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट को इसका हिस्सा नहीं माना गया, यानी विकास के दृष्टिकोण से विकास के 5 पक्षों को ही काउंट किया जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद अगर हम आपसे एक और क्वेश्चन बेसिक बनता है कि विकास के दृष्टिकोण से कौन सा विकास आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो विकास के दृष्टिकोण से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा शारीरिक विकास होता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसको सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए नहीं क्योंकि क्रम में ये सबसे ऊपर है, बल्कि इसलिए कि जो हमारा शारीरिक विकास होता है वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सभी विकासों को प्रभावित करता है। जैसा कि हम क्या देखते हैं, अगर हम फिजिकली स्ट्रांग हैं तो हमारा मानसिक विकास भी बहुत ही अच्छा होता है। हम क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बीमार रहता है, उसका अपने इमोशंस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, वो स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, जरा जरा सी बात पे क्रोध करने लगता है। सामाजिक विकास में क्या आता है, जैसे दया है, प्रेम है, सहयोग है, सहानुभूति है, ये सभी हमारे सोशल क्वालिटीज़ में आते हैं। और जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा,
तभी वो किसी की सहायता कर पाएगा, तभी वो किसी पर दया कर पाएगा और तभी वो किसी से प्रेम कर पाएगा। पता चला आप खुद ही बीमार है, आपको खुद ही सहायता की आवश्यकता है, तो आप किसी दूसरे की सहायता नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है नैतिक विकास। एक्चुअली नैतिक का संबंध कैरेक्टर से नहीं होता है, बल्कि नैतिक विकास का मतलब होता है, नैतिकता यानी मॉरलिटी का मतलब होता है सही और गलत के बीच अंतर करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, नैतिक विकास कहलाती है। तो जब तक कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो सही और गलत के बीच डिफरेंस नहीं कर पाता है। इतना क्लियर हो गया सबको। इसके बाद बात आती है शिक्षण। जैसे हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण कार्य करने जा रहे, एक टीचर का काम होता है शिक्षण कार्य करना। तो सबसे पहले कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि शिक्षण ऐसा कोई कार्य नहीं जो अकेले टीचर करता है। शिक्षण कभी भी एक मार्गी नहीं होता है, ये एक टू वे प्रोसेस होता है, ये एक कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि टीचिंग क्या है, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है। और अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, आपसी तालमेल पर आधारित प्रक्रिया। तो तालमेल के लिए दो लोग होने चाहिए, और वो दो लोग कौन होते हैं, एक अध्यापक और हमारे स्टूडेंट्स। तो शिक्षण क्या है, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, या आप ये कह सकते हैं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। यानी शिक्षण के द्वारा अध्यापक केवल अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है बल्कि उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। या एक शब्द आप और भी यूज कर सकते हैं कि अध्यापक व छात्र के मध्य कक्षागत परिस्थितियों में विचारों और अनुभवों के जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है, यानी टीचिंग कहलाती है। टीचिंग क्या है, एक टू वे कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा हम आपस में एक दूसरे के साथ अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं। जब तक हम अपने स्टूडेंट्स के विचारों को अपने शिक्षण में शामिल नहीं करेंगे तब तक, आपने एक शब्द सुना होगा आजकल आता है न्यू इनोवेशंस, इनोवेशंस का मतलब होता है नवाचार, और नवाचार को अगर हम थोड़ा सा तोड़ के देखें तो नव विचार। तो नए विचार जब तक हम अपने शिक्षा में शामिल नहीं करेंगे तब तक हम उसे शिक्षण की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इतना क्लियर हो गया भाई। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस क्या होता है। कई बार हमारे सामने कन्फ्यूजन होता है सिलेबस और क्यूरिकुलम को लेकर के। तो सिलेबस का मतलब आपने बुक के स्टार्टिंग में देखा होगा, इंडेक्स बना होता है और उसमें एक क्रम दिया होता है चैप्टर्स का कि हमको इस यूनिट में ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सभी विषयों का जो निर्धारित व क्रमबद्ध अध्ययन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सिलेबस कहलाता है। और जो क्यूरिकुलम क्या है, एक विस्तृत शब्द है, क्यूरिकुलम यानी पाठचर्या। तो जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमेशा पाठचर्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पाठचर्या का जो संबंध होता है वो विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रमों से होता है। यानी जैसे ही हम अपने स्कूल में एंटर करते हैं जो जो एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में कराई जाती हैं, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो शिक्षण का कार्य हो, वो सभी एक्टिविटीज़ हमारी किस में आती हैं, क्यूरिकुलम यानी पाठचर्या में आती हैं, जिसमें हम शैक्षिक के साथ साथ जो भी हमारी को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ या सह शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि भाई अभी हमने यहां पर पढ़ा था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास करना। अगर हम पाठचर्या में केवल विषयों को शामिल करेंगे तो विषय पढ़ने से हमारा केवल बौद्धिक विकास हो पाएगा, बाकी सारे विकास हमारे नहीं हो पाएंगे। और स्कूल में हमारे जो जो एक्टिविटीज कराई जाती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ का संबंध कहीं ना कहीं हमारे विकास के इन पक्षों से होता है। इसीलिए आपका पाठचर्या में विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। जैसे खेलकूद से क्या होता है कि बच्चों का शारीरिक विकास होता है, और शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक गुणों को विकसित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो हमारा प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान ही है।
क्योंकि क्लास में क्या होता है कि एक टीचर्स केवल अपने बच्चों को बताता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, शेयर करना चाहिए अपने चीज़ों को, दूसरों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जो प्लेग्राउंड होता है वहाँ पर बच्चा डायरेक्ट वे में उन सभी गुणों को डेवलप करता है। वो एक टीम बना करके खेलता है, अपने टीम के लोगों को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, उनकी सहायता करता है। तो डायरेक्ट वे में जो भी सामाजिक गुण होते हैं वो सभी खेल कूद के मैदान में बच्चे में स्वयं विकसित हो जाते हैं। तो जो खेलकूद होता है आपका, वो शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक गुणों को विकसित करने का भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। ठीक है भाई, इसके वजह से हम कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो आपने देखा होगा इसमें जो हमारे महान नेता या लीडर्स रहे हैं, जो भी आइडियल्स हमारे रहे हैं, हम उनका रोल प्ले बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट होता है वो हमारा आगे बढ़ता है, बच्चे उनके गुणों को फॉलो करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आपने देखा होगा आजकल सिंगिंग को बड़ा, हाँ सिंगिंग है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं स्कूलों में, जब प्रेयर कराई जाती है तो आजकल माइक से होता है, उसके साथ जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी बजाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो संगीत होता है वो हमारे इमोशंस को डेवलप करता है। जैसे हम लोग पोइट्री पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो पद्य होता है, जो पोइट्री होती है, वो इमोशनल अराउजमेंट के लिए होता है। तो ऐसे ही हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए आजकल सिंगिंग को भी हमारी पाठचर्या का हिस्सा माना गया है। ठीक है भाई, तो आप सभी को ये टर्म्स शायद क्लियर हो गए होंगे पूरी तरह से। एक बार हम फिर से आपको एक शॉर्ट नोट में बता दे रहे हैं, साक्षरता यानी अक्षर ज्ञान, केवल और लिखना पढ़ना आना, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो लिख सकता और पढ़ सकता उसको हम क्या कह सकते हैं, साक्षर कह सकते हैं। शिक्षा क्या होती है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, यानी सर्वांगीण विकास करना होता है, जिसमें हम विकास के इन पांचों पक्षों को शामिल करते हैं। शिक्षण क्या है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, यानी अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया या आपसी तालमेल पर आधारित प्रक्रिया, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान और प्रदान दोनों करते हैं, या सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है, शिक्षण यानी टीचिंग कहलाती है। ठीक है भाई, पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस होता है हमारा, वो क्या होता है कि हमें किस क्लास में कितना पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है, इन सभी विषयों का जो निर्धारित व क्रमबद्ध अध्ययन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सिलेबस कहलाता है। और जो पाठचर्या होता है वो हमारे विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है, जिसमें जैसे ही हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने से लेकर के छुट्टी होने तक जो जो एक्टिविटीज़ हमसे वहाँ कराई जाती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ का संबंध कहीं ना कहीं हमारे विकास से होता है। इसलिए हम पाठचर्या में विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रमों को शामिल करते हैं, जिसमें शैक्षिक के साथ साथ जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्न में हम लोग शिक्षण को आगे डिस्कस करेंगे कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, शिक्षण के कितने स्तर हैं, और वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति के द्वारा बच्चों में शिक्षण के किस स्तर को डेवलप करने पर जोर दिया जा रहा है। ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय।